हेलो एवरीवन, आज हम नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इस पाठ को पढ़ेंगे समझेंगे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। उसको साथ ले जाना भूल गए, भूले नहीं, जल्दी में वो थे तो मैना वहीं पर रह गई थी। वह अपने पिता के साथ महल में रहा करती थी और उसे निरपराध, उसका कोई अपराध नहीं था और यही कारण था कि उसे अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ अग्नि में भस्म कर दिया। उसकी जो कथा है, यह रोमांचकारी वर्णन जो है यहाँ पर पाषाण हृदय यानी पत्थर जैसे हृदय वाले व्यक्ति को भी द्रवीभूत कर सकती है, अभिभूत कर सकती है, दुखी कर सकती है। कानपुर में ये हत्याकांड हुआ था, भीषण हत्याकांड हुआ था। वहाँ पर अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, यानी जो प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, वो बहुत कम थे अंग्रेजों को जो मिले। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म करने का निर्णय कर लिया, जलाने का निर्णय कर लिया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। जो बालिका मैना थी वहाँ पर आकर के खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य होता है, अचरज होता है, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। बालिका पूछती है, आप ही बताइए यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है, क्यों आप इस मकान को गिराना चाहते हो? तो सेनापति कहता है कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, यानी जहाँ पर वो रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है, यानी तोड़ने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यानी कि ये तो मकान ने थोड़ी अपराध किया है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। वह कहती है कि इस मकान को नहीं तोड़ा जाए, लेकिन वह कहता है कि इसे तो गिराना ही होगा। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहेब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, क्योंकि उन्होंने हत्याकांड किया था वहाँ पर कानपुर में। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, मना कर देता है कि ऐसा तो असंभव है कि इस महल को हम बख्श दें या जाने दें, यानी कि हम इसे तोड़े ही गे। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। यहाँ पर हे उसका कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, सेनापति हे जो है वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में छपी 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है, भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। दुर्दांत यानी जो बहुत ही खतरनाक है, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही एक कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा का तो मतलब ही नहीं है, यानी कि अब उसे माफ नहीं किया जाए। इस पर हंसी उड़ाई जा रही है हे की, सेनापति हे को मजाक बनाया जा रहा है कि उन्होंने तो अंग्रेजों को मारा था नाना साहेब के ने, तो उसी लड़की को क्षमा क्यों किया जाए। लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी लगा दी गई
और वह कानपुर के किले में लाकर के कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के वाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया, यानी किसी को मार दिया गया। नाना साहेब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। जलती हुई आग में भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अनुपमा यानी जिसकी कोई उपमा ना हो। इस तरह से आज हमने इस पाठ को संक्षेप में समझने की कोशिश की और इसकी लेखिका चपला देवी है, द्विवेदी युग की लेखिका है। अनेक महिलाओं ने उस वक्त जो है आज़ादी के आंदोलन में गति दी थी लिख करके, और चपला देवी भी उसी में एक थी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं।